दिन चार दिन पहले हमने एक इशारा जरूर किया था आप लोगों कि अब मैं टारगेट में, क्योंकि मुझे ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा ये कहा गया था कि यू शुड म्यूट योर माइक, कि आज तक मेरे खिलाफ जब कुछ नहीं निकला तो बस वही अंतु तिरकी वाला निकल गया। यही ना होगा, अपने नेता का साथ निभाने के लिए होटवार जाना पड़ेगा, अच्छा तो रहेगा। बिना होटवार गए मेरा तो आवाज बंद नहीं होगा, और होटवार भी जाएंगे तो डेली प्रेस की प्रति वहां पर बनाएंगे और अधीक्षक से मुहर लगवा कर आप लोग को भेजेंगे। नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य। देश में लोकतंत्र के महापर्व की सरगर्मी तेज है, हर तरफ नेताओं की रैली और सभाएं भी हो रही है। तो दूसरी ओर झारखंड में चुनावी तपिश के साथ केंद्रीय जांच एजेंसी की दबिश भी बढ़ गई है। नीति नए खुलासों से चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला गर्मा गया है। इसी ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का एक चैट सामने आया है। इस चैट के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक और भाजपा चैट दिखाकर सवाल पूछ रही है, तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम जांच एजेंसियों को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि उन्हें कुछ दिन पहले ही ईडी के एक अधिकारी का फोन आया था, फोन कर चुप रहने की सलाह दी गई थी। सुनिए महासचिव का पूरा बयान। देखिए, मैं तो इस बात को बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन तीन दिन चार दिन पहले हमने एक इशारा जरूर किया था आप लोगों को कि अब मैं टारगेट में हूं, क्योंकि मुझे ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा ये कहा गया था कि यू शुड म्यूट योर माइक, आप अपनी आवाज को बंद कर लें। मेरे पास मेरा मोबाइल है, मैं समाज के बीच में रहता हूं, समाज का हर तबका का, चाहे उसके स्वास्थ्य के संबंध में हो, शिक्षा के संबंध में हो, शादी ब्याह के संबंध में हो, ट्रांसफर पोस्टिंग के संबंध में हो, सभी चीजें हैं। और यहाँ के कई विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक पदाधिकारी, मैं तो अपने मोबाइल से मुख्य सचिव तक से बात करता हूँ, डीजीपी से भी बात करता हूँ, लेकिन बातों का सरोकार क्या है ये तो पूछिए ना, कि मेरे मुख पे आप केवल कालिक पोत दे। आप बताइए, जो चार चैट आप बता रहे हैं, क्या वो व्यक्ति का ट्रांसफर हुआ उस पोस्ट पर 2021 में? यही ना, कि आज तक मेरे खिलाफ जब कुछ नहीं निकला तो बस वही अंतु तिरकी वाला निकल गया। तो अंतु तिरकी का मोबाइल में और भी तो होगा, वो क्यों नहीं बाहर आ रहा? और भैया, चैट का आपके पास स्क्रीनशॉट कहां से आ गया? ये यदि कोर्ट में प्रोड्यूस्ड है तो क्या उसका सर्टिफाई कॉपी निकला है? क्या ही वो चार्जशीट है कि वो पब्लिक डोमेन में कैसे आ गया? इसलिए मैलाफाइड इंटरेस्ट है कि झामुमो के इस चेहरे को काला कर दो। नहीं होगा काला, यही ना होगा, अपने नेता का साथ निभाने के लिए होटवार जाना पड़ेगा, अच्छा तो रहेगा। बिना होटवार गए मेरा तो आवाज बंद नहीं होगा, और होटवार भी जाएंगे तो डेली प्रेस की प्रति वहां पर बनाएंगे और अधीक्षक से मुहर लगवा कर आप लोग को भेजेंगे।